नेक्स्ट कॉलर है पटना से राजेंद्र प्रसाद हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार, पटना से बोल रहा हूँ मैडम। ठीक है जी, बताइए। अच्छा, हमारा ऐसा है सर कि हमारी एक बच्ची है जिसकी उम्र है 38 या 38 साल है सर। अच्छा, उसका प्लेटलेट लेवल जो है सर डाउन रहता है सर। प्लेटलेट ठीक है। लेवल डाउन रहता है सर आपका, जो है सो आपका 25,000 डिस्टेंस रहता है सर। तो उसके लिए आपका इंग्लिश मेडिसिन चला था एलोपैथिक में सर, उमेट्राक्स से दिखाया गया, तो दवा वगैरह तो चल रही है, उससे बढ़ती है लेकिन फिर डाउन हो जाता है। ठीक है ठीक है। हाँ, पटना में एक घटना हो गई थी मेरे साथ। मेरे साथ में गया था पटना, तो एक बच्चा था साथ में, वो खो गया। 2 दिन ढूंढता रहा, इसलिए पटना मुझे याद आ गया। देखिए, बहुत अच्छा इलाज है उस बच्चे का। पपीते का पेड़ कहीं आपको मिल जाएगा पटना में, तो मैंने देखा काफ़ी होते हैं। पपीते का पेड़ मिलेगा तो पपीता नहीं चाहिए हमें, पपीते का पत्ता चाहिए। और वो मरीज़ को 3-4 इंच का पपीते का पत्ता सुबह और शाम या तो चबा के खिला दें या पीस के पिला दें, आप देखेंगे कि पहले ही दिन से उनको फ़ायदा होगा। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, समझ लिया ना आपने, पपीते का पत्ता आपको सुबह शाम खिलाना है, 3-4 इंच का सुबह, 3-4 इंच का शाम। और ये इतना तेज़ी से काम करता है कि आप सुबह को उसका उनका प्लेटलेट देखेंगे और शाम को प्लेटलेट निकलवाएंगे तो बहुत बड़ा फर्क एकदम नजर आता है, और चंद रोज में उनको फायदा होना मुमकिन। हिमाचल से है अगले कॉलर, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लुद्दर सिंह है जी। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं दो क्वेश्चन बिल्कुल कर सर। रहा हूँ जी आपसे जी। जी सर। जी बताइए। पहला, अपने लिए गूंद सिया मंगवाया था जी, काला गूंद, मेरे सारे शरीर के जोड़ों जोड़ों में दर्द है जी और सारा शरीर मेरा कांपता है जी, टांगों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, 62 साल मेरी उम्र है जी। कब से ले रहे हैं? कौन सी या शुरू कर दिया आपने? हाँ जी, मेरे को हो गया आज 25 पहली तारीख से मैं खा रहा हूँ ना जी। ठीक है। कुछ फायदा हुआ आपको? कुछ फायदा? फायदा 30% फायदा हुआ, जो कंपन है और शरीर में कंपन है वो नहीं जा रही जी मेरी। जैसे कि मैं चलता हूँ तो ऐसा लगता हूँ कि मैं गिरने वाला हूँ, 62 साल उम्र है। मैं वो सिया गूंद आपका 20-25 दिन हो गए, 30% फर्क है ठीक जी। ठीक है। अच्छा देखिए, खूब भगवान से मदद मांगे, आपको भगवान तेजी से फायदा दे रहा है। यूनानी दवाओं से ऐसे ही फायदा होता है, रोजाना जरा सा, 25 दिन में 25%, यानी 1% रोजाना फायदा हो रहा है। खूब भगवान का शुक्र करिए, कुछ अपने ऊपर से सदका दें, किसी गरीब आदमी का की मदद करें, अपनी माँ से बाप से जो भी आपके जिंदा हों उनसे दुआ लें। मैं भी दुआ करता हूँ कि भगवान आपको जल्द से जल्द फायदा दे। ये खुशखबरी है कि आप आइंदा 2-3 महीने में पूरी तरह फायदा आपको होना मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से, मनोज हैं बिजनौर से हमारे साथ, स्वागत है मनोज जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। जी आदाब आदाब, बताइए क्या सवाल है। हाँ डॉक्टर साहब, अभी अभी मैंने आपको दूसरे चैनल पर सुना, आपने पैर में मेरे कमर की रीढ़ की हड्डी बढ़ी हुई है, उसे टांगों में दर्द है, वो तो सुन लिया मैंने दवाई उसकी, लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात बता दी, इसकी एक्सरसाइज कौन सा करें? और मैं आपके नियमित से रोता हूँ, बहुत फायदा उठाती हूँ मैं इसकी जी। ठीक है। हाँ देखिए, इसमें एक्सरसाइज ना करें, और अगर कुछ करें भी तो मैं बताता हूँ, एक लोगों के बताने पर मत गौर करें। ये जो औरतें दुपट्टा पहनती है ना, इसे ऐसे थोड़ा सा लपेट के और जहाँ पर आपके तकलीफ़ है वहाँ कमर के नीचे रख के सीधी लेट जाइए, बस ये एक्सरसाइज हो सकती है। वो जितना बर्दाश्त हो आपको, थोड़ी देर बाद अगर दुखने लगे तो छोड़ दीजिए। और नुस्खा तो आपको पता ही है कि या तो कैप्सूल टी केयर लीजिए सुबह शाम, या गौंसिया अगर असली मिल जाए, असली मिलना ज़रूरी है, तो सुबह शाम लें तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। और आप समझदार हैं, मैं समझता हूँ कि आपके घर में
वेस्टर्न टॉयलेट जरूर होगा, अगर नहीं है तो वो लगवा लें और आपको ठीक होना मुमकिन है। राजस्थान से नेक्स्ट कॉलर सपना, स्वागत है सपना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मेरी मदर इन लॉ को घुटनों में मतलब जॉइंट पेन है, उनको गठिया बाई की दिक्कत है काफी टाइम से। तो वो क्या है, काफी चीज एक्सरसाइज वगैरह करी पर वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। एज क्या है उनकी? एज 60। देखिए बड़ा अच्छा किया आपने अपनी सास के लिए फ़ोन किया। देखिए या तो गौन स्याह मिल जाए 100-200 ग्राम तो ख़रीद लीजिए, असली होना चाहिए, नकली होगा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ये 100-200 ग्राम ले लीजिए, पीस के इसको पाउडर बना के अलग रख लीजिए, ये रॉ मटेरियल लेना है। और अलसी थोड़ी ज़्यादा सी 500-600 ग्राम हल्का सा भून के अलग पाउडर में बना के रखिए, एक चम्मच अलसी और एक चुटकी या दो चुटकी यानी आधा ग्राम ज़्यादा ना हो, ये गौनसिया जो अलग पिसा हुआ है इसे मिला के रोज़ाना दिया करिए, एक बार या दो बार। अलसी दो बार देनी ज़रूरी है। अगर गौनसिया नहीं मिलता है, नकली मिलता है, पहचान नहीं है, तो फिर आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम दीजिए, एक चम्मच छोटे चाय का चम्मच अलसी के पाउडर के साथ, एक महीने में ये रुक जाएगा, ऐसा हमारा तजुर्बा है, और 7-8 महीने में ये समाप्त भी हो सकता है। दिल्ली से नेक्स्ट कॉलर आशा जी हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ जी मेरी एज है 67 ईयर। ठीक है। मैंने पहले भी हकीम साहब से बात की थी, मुझे एक महीना पहले टाइफाइड हुआ था, तो मैंने एंटीबायोटिक्स खा ली थी, उसके बाद बुखार ठीक हो गया और मैंने हकीम साहब से बात करके टी केयर अपने लिए मंगवा ली है, ठीक है। और जैतून का सिरका भी मंगवाया था। तो उसके बाद फिर दोबारा मुझे एक हफ्ते के गैप के बाद दोबारा बुखार थोड़ा सा चढ़ा था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो मेरी गॉल ब्लैडर में 4 पथरी निकली थी, तो जिसकी मैंने ऑलरेडी पिछले हफ्ते सर्जरी करा ली है। तो मैं हकीम साहब से यही पूछना चाहती हूँ कि सर्जरी करा के गॉल ब्लैडर में थोड़ी सी स्वेलिंग भी थी पर अब सर्जरी हो गई है, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि एक हफ्ता होने वाला है, कल एक हफ्ता हो जाएगा सर्जरी कराए हुए, तो जो पी केयर कैप्सूल मैंने मंगाई है वो कब से मैं शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि अभी एंटीबायोटिक्स चल रही है, सर्जरी के बाद की जो एंटीबायोटिक्स है ना परसों तक चलेगी, वो वीरवार तक। तो यही पूछना था कि कब शुरू करूँ पी केयर। ठीक है, ठीक है। बहुत समझदार लेडी हैं और लगातार जुड़ी हुई है हमसे, और आपने बहुत अच्छा किया कि उसको रिमूव करा दिया, नहीं तो वो चैन नहीं लेने देता। आप एंटीबायोटिक ख़त्म करने के बाद ये शुरू कर सकते हैं टी केयर सुबह और शाम, चाहें तो शुरू में एक ही टाइम लें, और ये सिरका लिया करें, आप सिरका अभी शुरू कर सकते हैं। आप सिरका लेंगे तो वो उन दवाओं के असर को कम करता है, ख़त्म करता है जो नुकसान देने वाले असरात होते हैं, तो 2 चम्मच पानी में डाल के लेना शुरू कर दीजिए सिरका 1 गिलास पानी में, तो एकदम आपको राहत मिलेगी, इन दवाओं की गर्मी और नुकसानात को ही ज़ाया कर देता है, और एंटीबायोटिक ख़त्म होने के बाद फिर आप शुरू कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर भूषण कुमार नागपुर से हैं, स्वागत है आपका भूषण जी। मेरी माता जी है 52 ईयर्स की। ठीक है। तो उनके कमर में गैप बोली गई है और उनकी जो एक पैर की नस है वो लग जाती है, उस पे कुछ उपाय बताए। ठीक है। और देखिए माता जी अगर बहुत मेहनती हों तो उन्हें मेहनत से रोक दीजिए, तो उनको मेहनत करना रोक दीजिए, और घर में ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो वो लगवाना ज़रूरी है, जब तक वो पूरी ठीक नहीं हो सकते जब तक वेस्टर्न टॉयलेट ना हो। और दवा के नाम पर कैप्सूल टी केयर टी फॉर टाइगर सुबह शाम दें, और अगर एक महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने दें, याद रखें ये बात। या फिर गौंद सिया है, एक काला गौंद है, तो अगर असली हासिल कर सकते हैं तो ये कड़वा होता है, बहुत महंगा भी होता है, सुबह शाम आधा आधा ग्राम दे सकते हैं, उससे भी माता जी को फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। नमस्कार, स्वागत है आपका। रोहन जी। मैम मेरी मदर है 52 ईयर्स की। ठीक है। उनको मैम खाना खाते ही वॉमिट हो जाती है, चाहे ब्रेकफास्ट खाएं, लंच करें या डिनर, दोनों जैसे मैम अराउंड 20 ईयर्स हो गए मैम उनको। एज क्या है उनकी?
मैम 52 जी। हाँ अच्छी, ख्याल रखिए उनका, देखिए बहुत दिन हो गए। और गौन मोरिंगा सफ़ेद अगर मिल जाए, गौन मोरिंगा सफ़ेद, तो रोज़ाना आधा ग्राम, ये रॉ मटेरियल लेना और सफ़ेद वाला ही लेना, आधा ग्राम पानी में मिला के रोज़ाना उन्हें पिला दिया करिए, पाउडर बना लेना इसको। देखिए उनसे ये रुक जाएंगी आसानी से, फौरन ही रुक जाएंगी, लेकिन आपको ये 100-200 ग्राम ख़रीदना है और जब तक ये ख़त्म ना हो जाए जब तक देते रहें, ताकि इतना पुराना रोग जड़ से जाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मोतिया। चलिए आप बोलिए। हाँ जी, मैं एक तो मेरे ना दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ हुआ है, ठीक और है? मेरे पाँव में ना जलन बहुत होती है, ठीक है, और मेरे को कब्ज भी बहुत रहती है, नींद भी नहीं आती, रात को रोज गोली खानी पड़ती है, कोई नुकसान बताइए। अच्छा देखिए, मुझे तो तकरीबन सारी बातें आपकी याद हैं, नींद वाली बात याद नहीं है, लेकिन देखिए इतनी तकलीफ और जलन में नींद नहीं आती है, तो आप अपने एक तो घुटना में जो दर्द है, पैरों में जलन है या दर्द है, उसका इलाज करिए। उसके लिए मैंने दो चीज़ें बताई थी, या तो गौन सियाह मिल जाए, उसे आधा आधा ग्राम खाना दिन में 2 बार खाने के बाद, और या कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाएँ तो इसमें फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने लगातार खाना है आपको, ये बात आप याद रखें। और पेट के लिए सौंफ आंवला और मेथी 200-200 ग्राम खरीदें, और एक आता है जैतून का नमक, ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता, इसमें 100-150 ग्राम मिलाकर पाउडर बना लें, और ये आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाया करें, तो पेट की समस्या भी हल होना मुमकिन है। ये दोनों ठीक होते ही आपको अच्छी नींद आ सकती है। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सहारनपुर से बोल रही हूँ, संतोष। संतोष जी, आपका सवाल। हाँ जी, एक तो ऐसा है मैडम, मैं कुछ खाती हूँ तो मेरे को हजम नहीं होता, और खाने के बाद ही तुरंत ही बाद ही पेट में दर्द होने लगता है। एज क्या है आपकी? मेरी उम्र है 65। कोई जांच कराई है आपने संतोष जी? हाँ जी बोलिए। कोई जांच कराई है आपने अपने पेट की, कोई सोनोग्राफी वगैरह? नहीं नहीं, बस मेरे लीवर नहीं है। ठीक है ठीक है, ये बता दिया तो बहुत अच्छा किया। आंवला, मेथी, सौंफ, आंवला, मेथी, सौंफ 200-200 ग्राम लें, और एक वो आता है नमक कहते हैं इसे, नमकीन नहीं होता ये नमक, जैतून, ये जैतून का रसायन भी कह सकते हैं इसे, ये 100-150 ग्राम लें, और ये जो मैंने मटेरियल बताया इसमें मिलाकर आप पाउडर घर पर बनाएं और आधा आधा चम्मच रोज़ाना खाया करें, ये मटेरियल ख़त्म होते तक आपकी बीमारी का ठीक होना मुमकिन है। उत्तराखंड से रिया जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है रिया जी। मैम मेरे बाल काफी महीने से झड़ने लगे, ठीक है, और भीतर काफी मतलब पतले हो गए हैं, पहले काफी घने थे, ठीक है, एज बताइए, और सफेद भी हो रहे हैं जी। अब अपनी एज बताइए और ये बताइए कि आपको क्या नजला, खांसी, बलगम कुछ रहता है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं रहता। हाँ खांसी जुकाम तो हो जाती है कभी सीजनल, पर वैसे ऐसे रेगुलर नहीं रहता। मेरी एज अभी 26 है। हाँ देखिए, आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लें, और उसके लिए माजून आर केयर सुबह शाम खाएं, 1-1 चम्मच गर्म पानी से, खट्टी चीज़ें कुछ दिन के लिए छोड़ दें, तो आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। बबीता जी हैं हिमाचल से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, हम हकीम साहब से बात करना चाहते हैं। जी बबीता जी, आदाब, बताइए क्या सवाल है? सर नमस्कार जी। जी आदाब।
सर मेरे को ना रात में जी मैं कांटे कांटे चुभते हैं, जैसे मतलब जी मसाले वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ रात को थोड़ी गर्म चीज खा लूं तो 2-3 साल से ये होता आ रहा है। और मतलब दवाई भी ली कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे सो जाते नींद खुलती है जी मैं कांटे कांटे से लगते हैं। ठीक है, कोई तंबाकू तो नहीं खाते आप? नहीं जी कुछ भी नहीं खाते हम। ठीक है ठीक है, एज कितनी है आपकी? मेरी एज है 51। ठीक है, आपको रोजाना देखिए एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद वाला गौन मोरिंगा, गौन मोरिंगा सफ़ेद खाली 100 ग्राम खरीद लें और रॉ मटेरियल लें, सफ़ेद वाला ही लें लाल वाला नहीं, और उसका आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना आप पी के सो जाया करिए रात को, आप देखेंगे चंद रोज़ में ही आपकी ये परेशानी ठीक हो गई। लेकिन ये 100 ग्राम ख़त्म कर लेना ताकि दोबारा से ये परेशानी उत्पन्न ना हो सके। तो अम्बाला से नेक्स्ट कॉलर शशि, स्वागत है शशि जी। हाँ जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी, मैं सुन रहा हूँ, आधा वक्त बताइए। हाँ जी हकीम जी, मेरे ना मतलब 5-6 महीने हो गए बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है, पेट में भी मतलब मैंने इंडोस्कोपी कराई थी तो उन्होंने बोला जख्म है अंदर पेट के, और ये गले में भी प्रॉब्लम है मेरे, गले में भी थायराइड दर्द रहता है गले के अंदर भी। बेटा उम्र बताइए। 46। अब देखिए अगर हाथों में जख्म है तो आपको बहुत एहतियात से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और काफ़ी लंबा इलाज आपका हो सकता है, और कोई भी चीज़ खाएं तो वो आसानी से हजम होनी चाहिए, कोई भी मुश्किल हजम चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, और जो दवा लेते हैं वो लेते रहिए। मैं आपको एक दो चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए एक तो बेल, पत्थर बेल जिसे कहते हैं, वो अभी तो मिलेगी नहीं, तो उसकी जगह अभी तो बेल का मुरब्बा मिलेगा। ठीक है, बेल का मुरब्बा एक पीस रोज़ाना खरीद लीजिए और सुबह को खा लिया करिए खाली पेट। ठीक है, थायराइड का इलाज करें, थायराइड ठीक होगा तो आप ठीक होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ चेंज आता ही रहेगा, डॉक्टर की दवाई भी लें। थायराइड का इलाज है धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम। ठीक है, और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना है, सफ़ेद यानी इसमें लाल और कैसा कैसा भी आता है लेकिन आपको सफ़ेद वाला लेना है, इसमें मिला के पाउडर बना एक चम्मच रोज़ सुबह ही सुबह खाया करें, जो गोली थायराइड की खाते हैं उसके साथ, और 7-8 महीने अगर आपने खा लिया तो आपकी वो गोली भी छूट जाएगी और आपको से इस मर्ज में निजात भी मुमकिन है।